हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। युक्ति कपूर के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अपने पहले ही शो से फैंस का दिल जीत चुकी थी। भले ही तब उन्हें एक्टिंग ज्यादा नहीं आती थी, पर ज्यादातर लोग उन्हें उनके पहले ही शो से प्यार करने लगे थे। और जब मैडम सर में युक्ति आई तो हो सकता है उनके फैंस उन्हें पहचान न पाए हो, क्योंकि तब तक उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी थी। ऐसा क्या चेंज लाई युक्ति कपूर अपनी लाइफ में कि वो फिजिकली इतना बदल गई? जहां युक्ति को पहले उनके लुक्स की वजह से लीड रोल्स मिल पाने में दिक्कत हो रही थी, आज उन्हें लीड रोल्स आसानी से मिलने लगे हैं। क्या है युक्ति का डेली रूटीन और स्किन केयर, और उनके बचपन से लेकर अब तक की जर्नी कैसी रही? क्यों उन्हें उनके पहले शो से सच छुपाने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, और फिलहाल किसे डेट कर रही है वो? युक्ति कपूर की लाइफ से जुड़ी ये सारी अनजानी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। युक्ति कपूर का जन्म 18 मई 1992 को जयपुर राजस्थान की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनकी फैमिली में उनके फादर अरुण कपूर, माँ दर्शना कपूर और दो भाई हैं रौनक कपूर और गौरव कपूर। युक्ति जब काफी छोटी थी तभी से उनको काजोल बहुत पसंद थी, और उन्हीं के सॉन्ग्स और वीडियोस देखकर ही युक्ति के मन में एक्टर बनने का सपना जागा था। उनकी माँ सुबह 9 बजे अपना पार्लर खुला करती थी, और 8 बजे युक्ति वहाँ जाकर 9 बजे तक मिरर के सामने खड़ी होकर इमोट किया करती थी। तभी से ही युक्ति इमोशनल डायलॉग्स ऐड करने के टाइम आंसू तक ले आती थी, पर तब उन्हें एक्टर बनना है या नहीं ये नहीं पता था। पर उन्हें काजोल बहुत पसंद थी और अजय देवगन उनके क्रश हुआ करते थे, और वो ऐसे ही सपने देख लिया करती थी। उस टाइम उनके मन में एयर हॉस्टेस बनने का सपना हुआ करता था, पर वो सोचती थी कि उनकी हाइट कम है तो वो एयर हॉस्टेस नहीं बन पाएंगी। खैर, उनके बचपन के वो सपने धीरे धीरे सच होते चले गए और रास्ते खुद ब खुद बनते चले गए। ये सब कैसे हुआ बस मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। उससे पहले युक्ति के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। युक्ति ने अपनी स्कूलिंग सीडलिंग पब्लिक स्कूल जयपुर से कम्प्लीट की। वो बताती है कि जब वो 7th क्लास में थी तब उन्होंने अपने फादर से एक्टिवा दिलाने के लिए बहुत लड़ाई की थी, और उन्हें जयपुर और वहाँ के लोग आज भी बहुत याद आते हैं। युक्ति बताती है कि जयपुर में लोकल रैम्प शोज काफी हुआ करते थे, और उन्होंने ऐसे ही एक ज्वेलरी के लिए रैम्प वॉक किया था जिसके लिए उन्हें कुछ रुपए मिले थे, और उससे उन्होंने अपनी माँ को लूप इयररिंग्स दिलाए थे। इसके बाद उन्होंने कुछ टाइम टेलीकॉम में भी जॉब की, जहाँ उनका काम लोगों की प्रॉब्लम समझकर उन्हें सॉल्यूशन बताना होता था। ये उनकी लाइफ की फर्स्ट जॉब थी जिसके लिए उन्हें 5,000 रुपए मिले थे, और इन पैसों से उन्होंने अपनी माँ को कान की दो छोटी छोटी बालियां गिफ्ट की थी। दरअसल युक्ति अपनी माँ के सबसे ज्यादा क्लोज है, और वो उनकी बेस्ट फ्रेंड भी है। और युक्ति की माँ को कान में बालियां पहनने का बहुत शौक था, और युक्ति को अपनी माँ को गिफ्ट देकर बहुत खुशी मिलती थी। लेकिन केवल दोस्त ही नहीं, युक्ति अपनी माँ को सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मानती है, क्योंकि उनकी माँ का जयपुर में खूबसूरत ब्यूटी पार्लर नाम का एक पार्लर हुआ करता था, और वो बचपन से उन्हें दिन रात घर संभालने के साथ साथ मेहनत करते हुए देखा करती थी। स्पेशली दिवाली के दिनों में तो उन्हें सुबह से रात के 10 बज जाते थे, इतना काम रहता था, और घर पर वो और उनके पापा और भाई उनकी माँ के आने का वेट ही करते रह जाते थे। युक्ति को अपनी माँ का वो हार्ड वर्क देखकर हमेशा इंस्पिरेशन मिलती थी, और आज तक वो अपने हर रोल में अपनी माँ के बारे में सोचकर ही उन्हें अपनी एक्टिंग में उतारने की कोशिश करती है। पर युक्ति के आज इतनी फेमस एक्ट्रेस बनने की स्टोरी बहुत अनोखी है, और वो इसलिए क्योंकि बचपन से उन्होंने जो भी सपने देखे उसके रास्ते अपने आप बनते गए और वो यहाँ तक पहुँच गई। दरअसल युक्ति को एक दिन कहीं से पता चला कि जी टीवी पर एक शो आ रहा है, रॉक एंड रोल फैमिली शो, जिसमें विद फैमिली डांस करना था। जैसे ही युक्ति को इस बारे में पता चला तो वो लड़ झगड़ कर अपनी फैमिली को इस शो में पार्टिसिपेट कराने ले गई। इस शो के जजेस काजोल और अजय देवगन थे, और ये युक्ति का वो पहला ड्रीम था जो पूरा हुआ था। पर इस शो से जुड़ी एक बैक स्टोरी है जो कोई नहीं जानता। दरअसल इस शो में युक्ति और उनकी फैमिली कपूर फैमिली जयपुर के नाम से कंटेस्टेंट बनी थी, बट कुछ ही एपिसोड में ये रिवील हुआ कि कंटेस्टेंट्स में से दो फैमिलीज ने झूठ बोलकर इस शो में एंट्री ली है। वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं कर रहे थे, और तब उनका सच सामने आ गया, जिनमें से एक युक्ति की फैमिली भी थी। और इस फैमिली पे ये इल्जाम था कि जो बेटा बनकर इस शो में आया है वो उनका ब्लड रिलेशन में भी कुछ नहीं लगता। इस पर युक्ति के फादर अरुण कपूर ने कहा था कि उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। उस टाइम इस शो में ये एपिसोड एक कॉन्ट्रोवर्शियल एपिसोड के रूप में टेलीकास्ट हुआ था, और अजय देवगन भी इस बात से नाखुश थे, और फैमिलीज का एलिमिनेशन पब्लिक वोटिंग पर छोड़ा गया था, और बाद में कपूर फैमिली को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सब शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए किया जाता है, और मेकर्स ऐसे एपिसोड पहले से ही
ही फिक्स्ड रखते हैं। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, आप ये बात कमेंट जरूर करें। वैसे ये शो साल 2008 में आया था और इसी शो में किसी ने युक्ति को देखा था। जयपुर लौटकर आ जाने के बाद इसी साल 2008 में एक दिन अचानक ही युक्ति के पास उनका कॉल आया और उन्हें डीडी नेशनल का एक शो नन्ही सी गली मेरी लाडली में गुड्डी का लीड रोल ऑफर हुआ। युक्ति को तब ये सब फेक लगा था, पर सब सही निकला और इस तरह 16 साल की उम्र में युक्ति को पहला शो मिल गया। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज भी आप में से काफी लोग युक्ति को इसी शो की वजह से जानते हैं और आपकी भी गुड्डी फेवरेट रही होंगी। वैसे इस शो के बाद युक्ति साल 2013 में भोजपुरी मूवी क्या उखाड़ लेगा में देखी गई। कुछ टीवी एड्स में काम करने के बाद उन्हें झिलमिल सितारों का आंगन, प्यार कर दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा और ये है मोहब्बतें जैसे शोज में साइड रोल में देखा गया। युक्ति कहती है कि साल 2015 उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर रहा क्योंकि इस साल उन्हें युवा मूवी में एक कैरेक्टर प्ले करने का चांस मिला। इसी साल उन्हें सिया के राम में उर्मिला के रोल में भी कास्ट किया गया। इसके बाद अगले ही साल उन्हें बालिका वधू में भी देखा गया, पर उन्हें साल 2017 के शो अग्निफेरा से वो पॉपुलैरिटी मिली जिसका उन्हें हमेशा से इंतजार था। इस शो में उन्होंने रागनी का किरदार निभाया था जिस रोल को फैंस आज तक नहीं भूले हैं। इस शो के लिए उन्होंने बंदूक चलाने की भी ट्रेनिंग ली थी और पहली बार बंदूक की आवाज़ सुनकर उनके कान सुन पड़ गए थे। इसके अलावा कानपुर की एक पुलिस ऑफिसर से उन्होंने वर्कशॉप्स भी ली थी। इसी शो के दौरान युक्ति को एक बार एक रोमांटिक सीन शूट करना था और तब उनकी साड़ी में आग लग गई थी और वो रोमांटिक सीन उनके लिए एक नाइटमेयर बन गया था। बट किस्मत से इस शो की टीम वहाँ थी और बहुत ही एक्टिवली उन्होंने एक मेजर एक्सीडेंट होने से पहले ही सब संभाल लिया। अग्निफेरा शो के बाद युक्ति को नमहा और लाल इश्क जैसे शोज में भी देखा गया, पर इस शो के बाद युक्ति को मासिव पॉपुलैरिटी दिलाई मैडम सर शो ने जिसमें उन्होंने कड़क करिश्मा का रोल प्ले किया था। इसी शो के दौरान ही कह दूं तुम्हें शो के ऑडिशन चल रहे थे और युक्ति ऑडिशन देकर आई, पर 15 दिन बाद उन्हें फिर से ऑडिशन के लिए बुलाया गया। फिर से 15 दिन बीत गए और उसके बाद फिर से ऑडिशन उनसे मांगा गया। फिर से मेकर्स की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था, पर 15 दिन बाद फिर से युक्ति को मेकर्स ने लुक टेस्ट के लिए फाइनलाइज कर लिया। युक्ति इस रोल के ऑडिशन इतनी बार दे चुकी थी कि उनके मन में इस रोल के लिए पहले से ही दिल आ चुका था, बट वो इसके ऑडिशन रिजल्ट पर ध्यान नहीं दे रही थी और लकीली उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। युक्ति कहती है कि लाइफ में उन्होंने जो भी सपने देखे वो भगवान पूरे करते गए और वो हमेशा से ही सारे भगवान में बहुत विश्वास रखती है। वो बताती है कि स्टार्टिंग में उन्हें लीड ब्रेक्स नहीं मिल पाते थे और उन्हें बोल दिया जाता था कि तुम रोल के लिए सूटेबल नहीं हो। तभी से युक्ति ने 2-2 घंटे रनिंग और डेली स्किन एंड हेयर केयर स्टार्ट कर दिया। वो बताती है कि डेली एक्सरसाइज और स्किन केयर की वजह से ही उनमें आज इतना चेंज आ पाया है और वो होम रेमेडीज ही अप्लाई करती है। इसके अलावा वो शाम 7:30 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाती और डेली मॉर्निंग में गुनगुने पानी में हल्दी मिलाकर ही अपने दिन की शुरुआत करती है। बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो युवा मूवी की शूटिंग के दौरान युक्ति के रोहन मेहरा को डेट करने के रूमर्स हर जगह थे और दोनों को नच बलिए शो का ऑफर भी आया था, बट उन्होंने इस शो को मना कर दिया था और माना जाता है कि वर्क कमिटमेंट्स के चलते दोनों सेपरेट हो गए थे। इसके बाद युक्ति ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में रिवील किया कि वो अभी एक हैप्पी रिलेशनशिप में है, पर किसके साथ ये उन्होंने रिवील नहीं किया। वैसे रिपोर्ट्स की माने तो वो एक बिजनेसमैन को डेट कर रही है जिनका नाम करण दांडीर है। युक्ति के ऑल टाइम फेवरेट एक्टर अक्षय खन्ना और रणबीर कपूर है और रानी मुखर्जी, काजोल और कंगना रनौत उनकी फेवरेट एक्ट्रेसेस है और कंगना रनौत की लाइफ जर्नी उन्हें सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगती है। लास्टली उनका फ्यूचर गोल है भूखे लोगों के लिए फूड हाउसेस बनाना। तो ये थी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी युक्ति कपूर की लाइफ से। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि युक्ति कपूर भी आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। आप ऐसे ही और भी सेलिब्रिटी के वीडियो रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं फिर आऊंगी एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।